Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to use match formula on Google Sheet. So let's start this video. आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से Google Sheet पर आपने Excel Sheet तो बहुत चलाई होगी लेकिन online रहकर Google Sheet कैसे चलाएंगे और क्लाउड पर डेटा कैसे सेव रखेंगे ये बात मैं बताने वाला हूँ. तो मैच फॉर्मूले का हम यूज़ करना सीखेंगे. तो चलिए आइए सीखते हैं. मैं गूगल को ओपन करता हूँ. आपको यहाँ सिंपली सर्च करना है गूगल शीट. यहाँ पे सर्च कीजिए और गूगल शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी. उसके बाद आप यहाँ से गूगल शीट को ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल शीट आ जाएगी. यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए आ गया है. तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पे जाऊँगा, और इसके ओपन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है गूगल शीट, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ. आप एक्सटेंशन को भी इनेबल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए. अब यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस पे. ये जो ब्लैंक हमारा स्प्रेडशीट है इस पर हम क्लिक करेंगे. अब हमें यहाँ पे सीखना है मैच फॉर्मूले का यूज. तो मैच फॉर्मूले के यूज के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. पुराना वही जो हम एक्सेल पे चलाते थे वही काम यहाँ भी करेंगे. तो आइए करते हैं इसको. यहाँ हमें टाइप करना है नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट्स के नाम, उसके बाद मैच फॉर्मूला हमें रो नंबर या कॉलम नंबर ढूंढ करके दे देता है. जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट ऑलरेडी ले चुके हैं हम. इसको थोड़ा कॉलम को चौड़ा करते हैं यहाँ से खींच करके. ठीक है, ड्रैग करेंगे तो कॉलम ये चौड़ा हो जाएगा और इसकी साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे. ये देखिए, ये जो रो है उसकी जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इसको और सबको मिडिल अलाइन करेंगे. अलाइनमेंट कहाँ से होता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट का बॉक्स दिया हुआ है. तो यहाँ सेंटर अलाइन कर देंगे हम इसको. आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसमें सेंटर अलाइन हो चुका है. ठीक है, और अगर आप मर्ज करना चाहें तो यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं. सारी फैसिलिटीज़ इसमें पड़ी हुई हैं, दी हुई हैं. ओके, और इसको मिडिल अलाइन कर देते हैं. देखिए मिडिल अलाइन हो गया ये. इसके बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं. यहाँ कंट्रोल बी दबा करके भी बोल्ड किया जा सकता है. यहाँ ड्राइंग की स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम. डी आर ए डब्ल्यू होता है, तो ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, यानी कि ऑप्टेंड मार्क्स निकालेंगे. ऑप्टेंड मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स निकाल लेते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है मैच फॉर्मूले का यूज. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नाम क्रिएट करा लेते हैं. अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन करेंगे. तो रैंड बिटवीन करने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास रैंडमली बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे हमें. देखिए इसमें लो दिया हुआ है तो लो नंबर 5 है, हाईएस्ट नंबर 90 है. इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और करिए एंटर. तो एंटर करते ही यहाँ पर एक नंबर आपको शो होगा. अब इसी नंबर को हम फैला देंगे यहाँ तक. आप देख सकते हैं ये, सॉरी, यहाँ से पकड़िए इसको और यहाँ तक इसको फैला दीजिए और इसको नीचे भी फैला सकते हैं आप यहाँ तक. ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके और फ्रीज करना पड़ेगा. चूंकि ये फॉर्मूला है तो वैल्यूज़ हमेशा बदलती रहेंगी. तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है इसको जैसा कि हम एक्सेल में करते थे और पेस्ट स्पेशल पे जाना है और इसको वैल्यू बना देना है. तो बस ये काम हमारा आसान हो गया. अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो साइज है, इसको हम बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे आइए देखते हैं. यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 से हटा करके हम कर देंगे 14. तो ये साइज काफ़ी इंक्रीज होगी जैसा कि आप देख सकते हैं. इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ से. तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको भी एडजस्ट करना है. तो यहाँ से पकड़िए इसको, खींच दीजिए तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को एक जैसा दिखने वाला बनाना है. यानी कि यहाँ से सेंटर अलाइन तो हमने कर ही दिया है, अब यहाँ से मिडिल अलाइन भी कर देते हैं. ठीक है, फिर से एक बार. तो ये एक मिनट, ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है. इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से इसको मिडिल अलाइन करेंगे हम. तो ये सारा डेटा हमारा मिडिल अलाइन हो चुका है और कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड हो जाएगा. तो ये बोल्ड भी हो गया, आप देख सकते हैं. अगर आप बैकग्राउंड पे कलर देना चाहते हो तो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं. कलर यहाँ देखिए फिल कलर दिया हुआ है. यहाँ से कोई भी कलर आप चाहें तो यहाँ से फिल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. देखिए यहाँ पर ये कलर फिल हो चुका है. और यकीन मानिए कि एक बार आप गूगल शीट पर काम करना शुरू कर देंगे तो एक्सेल को भूल जाएंगे. अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में हमें 3 शीटें दिखती थी लेकिन यहाँ पे एक शीट दिख रही है.
ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाइए, ऑप्टेन मार्क्स तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हुआ यहाँ तक आ जाता हूँ, क्लोज करता हूँ ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे इसके लिए, यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे, यहाँ से बॉर्डर बन जाएगा, ये देखिए ये बॉर्डर हमने बना लिया। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये शो हो रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, मैच का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करें मैच का फॉर्मूला, देखिए मैच का फॉर्मूला हमें रो या कॉलम नंबर देता है, ठीक है। पहले मैं आपको कॉलम नंबर लेके बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपको SST का मार्क्स चाहिए, तो SST को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, पेस्ट कर दिया हमने। SST के मार्क्स हमें निकालने हैं, इज इक्वल टू मैच का फॉर्मूला यूज़ कीजिए आप। मैच का फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब यहाँ पे मैच का फॉर्मूला क्या कहता है, मैच का फॉर्मूला ये कहता है कि जिसको खोजना हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और जिस रो या जिस कॉलम में हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, देखिए यहाँ पे एक मिनट, हमें किसको सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले को, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे हम, और इसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये वाला कॉलम, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दीजिए, और चूंकि ये जो SST है हमको इसी कॉलम्स में कहीं मिलेगा, तो इस पूरे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए देते हैं तो जीरो दीजिए, बंद कीजिए ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ कॉलम नंबर 7 आ गया। अब ये कॉलम नंबर 7 क्या है, देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट कॉलम नंबर 1 में लिखा है, हिंदी कॉलम नंबर 2 है, इंग्लिश 3 है, मैथ 4 है, साइंस 5, ड्राइंग 6 और SST 7। तो देखा आपने कैसे कॉलम नंबर 7 में आते ही ये चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नाम चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ इंग्लिश, अब इंग्लिश लिखते ही देखिएगा क्या होगा, ये कॉलम नंबर 3 बन गया अपने आप, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैच का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ख़ासतौर पे गूगल शीट की अगर बात करते हैं तो गूगल शीट में बहुत सारी सुविधाएं आपको और भी मिलेंगी, और एक्सेल से किस तरह से डिफरेंट है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आने वाले समय में और भी बातें इस पे बताता रहूँगा कि कितना आसान है गूगल शीट पे काम करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।